क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर आज पार्ट थर्ड बनाएंगे इसका। एक्सरसाइज 3.1 जो है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो है वो सभी बच्चों ने बड़ी ध्यान से सुनी। उसमें बहुत सारी जो टर्म्स थी जिसमें आपने फैक्टर्स मल्टीपल्स क्या होते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी उनका जो कंक्लूजन निकाले थे फैक्टराइजेशन के बाद में 8 कंक्लूजन थे। सभी बच्चों ने उनको ध्यान से समझा और जाना। आज 3.1 जो कंप्लीट होने के बाद में जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, तो सभी बच्चों को काउंटिंग आती है। काउंटिंग यदि हम 1 से स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 ये चलते जाते सभी बच्चों को पता है। अब हमने इसी काउंटिंग में से हमने प्राइम नंबर भी ढूंढने हैं और कंपोजिट नंबर भी ढूंढने हैं। तो मैं आपके सामने सबसे पहले सर्कल करूंगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 इसी तरह से कुछ नंबर आगे भी आएंगे। तो हम ये जो सर्कल किए गए नंबर हैं इन नंबरों के बारे में पढ़ेंगे कि इन नंबरों को प्राइम नंबर की क्लास में क्यों ये आते हैं, इनको क्यों प्राइम नंबर कहते हैं। आपके सामने अभी जो नंबर सर्कल किए हैं ये नंबर आपने याद रखे हैं और इन्हीं नंबर को हम डिस्कस करेंगे कि ये प्राइम नंबर क्यों है। टेबल बना लेते हैं। नंबर फैक्टर्स, सबसे पहले नंबर है 2। 2 को हम 2, 1, 2 उसके फैक्टर। दूसरा नंबर को सर्कल किया था 3। 3 को भी हम 1, 3 इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट नंबर 5, इसके फैक्टर भी 1, 5 और किसी टेबल में 3 किसी के टेबल में नहीं आता है सिर्फ अपने टेबल में आता है। 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता है सिर्फ अपने टेबल में आता है। 2 भी किसी के टेबल में नहीं आता है सिर्फ अपने टेबल में आता है। और नेक्स्ट नंबर जिसको हमने सर्कल किया था 7, ये भी सेम फैक्टर बनेगी। फिर नेक्स्ट नंबर जो है वो था 11, इसमें भी सेम फैक्टर बनेंगे। जी कोई भी नंबर जो है कोई भी नंबर किसी के टेबल में नहीं आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। और आपको पता है इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं और 2 फैक्टर की वजह से हम जितने भी नंबर हैं 11 के आगे नेक्स्ट नंबर 13 आ जाएगा, 13 के नेक्स्ट नंबर 19 आ जाएगा, सॉरी 17 आएगा पहले, 17 के नेक्स्ट नंबर 19 आएगा, 19 से नेक्स्ट नंबर 23 आएगा। हमने वो ही नंबर जो बचे उन्हीं नंबर को अपने काउंटिंग में जो काउंटिंग हमें आती है उन्हीं नंबर को सर्कल करना है जो कि इनके 2 फैक्टर होते हैं। और इन्हीं नंबरों को जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं इन्हीं जेडी एक नई क्लास बनेगी, न्यू क्लास बन जाएगी और उस न्यू क्लास का नाम हम दे देंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो इधर से एक आप प्राइम नंबर को डिफाइन कर सकते हो। व्हाट आर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर तो 1 होता है, एक फैक्टर 1 है और दूसरा वो खुद है, दूसरा वो नंबर खुद है, इसीलिए उनको हम प्राइम नंबर की
क्लास में डाल देते हैं और उनको प्राइम नंबर कहते हैं। अब काउंटिंग में आपने जो काउंटिंग लिखी थी 1 से लेकर 20 तक, आपने भी 101 किया था। अब जिन नंबरों को सर्कल नहीं किया था वो कौन, जिन नंबरों को सर्कल नहीं किया था वो कौन कौन से नंबर थे? 1, फिर नेक्स्ट आ गया था 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 8, 10, सॉरी 9 रह गए, 9, 12, 14, 16, 18, 20, इन नंबरों को हमने सर्कल नहीं किया। और जिनको हमने सर्कल नहीं किया, ये जो नंबर्स हैं इन नंबरों की क्लास जो है वो एक अलग क्लास बन जाएगी और इनको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब हमें ये देखना है कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स कैसे होते हैं और प्राइम नंबर के फैक्टर्स तो आपने देख लिए कि प्राइम नंबर में फैक्टर्स सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो वन होता है फैक्टर और एक वो नंबर खुद होता है। आप कंपोजिट नंबर लिखते हैं जिसको अभी हमने टू तो प्राइम नंबर था, टू इसमें नहीं आएगा। अब इधर स्टार्ट जो किया है वो था वन, तो ना प्राइम नंबर है वन ना कंपोजिट, वन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और इनके ये जो नंबर है इनको नंबर कहते हैं, ये आप सबको पता है। और इनके फैक्टर्स बनाते हैं FACBOR, इनके फैक्टर्स बनाओ। 4 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4, 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6, 8 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 9 के फैक्टर 1, 3, 9, 10 के फैक्टर 1, 2, 5, 10। तो बच्चे फैक्टर को यदि हम ध्यान से देखें और जो हमने प्राइम नंबर में जो बात कही थी उधर सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, लेकिन जब बिना प्राइम नंबर वाले नंबर लिखे फिर उनको हमने फैक्टर फॉर्म में लिखा तो उसमें देखा आपने कि ये दो नंबर से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, सिर्फ दो फैक्टर नहीं है। जैसे कि 4 के फैक्टर्स 1, 2, 4, कि 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 अपने टेबल में भी आता है। इसी तरह से आपने 6 के फैक्टर देखी, उसमें भी आप लोगों को दो से ज़्यादा फैक्टर नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी नंबर वो वाले नंबर आपको काउंटिंग आती है, काउंटिंग में वो नंबर आपने याद रखने हैं कंपोजिट होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो दो से ज़्यादा फैक्टर, अब हम एक क्लास बना देंगे, अलग क्लास बना देंगे कंपोजिट नंबर जो हैं, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, तो आप आंसर देंगे कंपोजिट नंबर्स आर those numbers which have more than two factors, वो number जिनके दो से ज्यादा factor होते हैं उनको हम composite number कहते हैं। Simple। अब आप लोगों को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं और कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं उनको क्या नाम है आपने बिल्कुल याद रखना है और ध्यान देना है और समझ बिल्कुल हर बात को कोशिश करो, हर एक वर्ड को, हर वर्ड का अपना अलग मीनिंग है और उसको आपने याद रखना है। अब आपने एक चीज देखी, 1 तो ना हमने प्राइम नंबर में लिया और ना कंपोजिट नंबर में, और 1 क्या है, 1 is neither
neither, one is neither, sorry. Prime number, nor composite. ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वन जो है आपकी काउंटिंग में जो वन नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इन चीजों का आपने वो इस चीज का ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं स्पेसिफिकली कि किसी नंबर के साथ ये देखो वन एक ऐसा स्पेशल नंबर हो गया तो काउंटिंग में ना वो प्राइम नंबर में आएगा ना कंपोजिट में आएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक नंबर क्वेश्चन है कि एक नंबर 15 है, उस नंबर में बताइए हाउ मैनी लिखे या राइट ऑल द प्राइम नंबर्स, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स आ 15 के प्राइम नंबर्स तो काउंटिंग वहाँ चलेगी आपको 15 तक आती है, उन्हीं नंबर में से आपको पता है 2 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 5 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं। हमें कैसे पता चलता है? हमें ये पता है ये किसी और नंबर के टेबल में आते ही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने ही टेबल में आंसर में आते हैं ये नंबर, ऐसे तो किसी और टेबल में आते ही नहीं। इसीलिए प्राइम 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 7 जो है वो प्राइम नंबर है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर 11 प्राइम नंबर है, फिर 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है क्योंकि 13 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, आर प्राइम नंबर आर प्राइम नंबर्स जे नंबर 15 का आर प्राइम नंबर्स सिंपल है। उन्होंने कहा कि बताइए 15 जो नंबर है इस नंबर तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो काउंटिंग में आपको पता है 1 से लेके जो भी नंबर जो है जिनके 2 फैक्टर्स होंगे उनको लिख देना है आपने। लेकिन पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ के फिर सोच समझ के आंसर दे, ये नहीं है कि हताशा में जल्दी जल्दी आप पूरी बात को समझे नहीं और आप 15 से आगे भी नंबर लिखने शुरू कर दो तो फिर आपका आंसर गलत माना जाए। अब इसी चैप्टर में हम इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इवन और ऑड नंबर भी हम सिंबल काउंटिंग से ही पहले काउंटिंग लिखेंगे, सभी बच्चों को काउंटिंग आता है, काउंटिंग से ही सारे के सारे ये नंबर्स निकलते हैं। अब हमने क्लास बनानी है इवन नंबर की क्लास बनानी है, तो मैं आपके सामने सर्कल करूंगा दोबारा से जैसे हमने पहले सर्कल किया था, काउंटिंग के बीच में से नंबरों को सर्कल किया था, आपके सामने सर्कल हो रहा है, एक नंबर छोड़ के एक नंबर पर सर्कल हो रहा है, एक नंबर छोड़ के एक नंबर पर सर्कल एंड सो ऑन। तो इवन नंबर की क्लास बनाने के लिए जो जो सर्कल नंबर किए हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सिंपल से आपने ये कहना है कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं,
जो टू के चक्कर में आ जाए, टू के टेबल में टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू सिक्स जा सॉरी टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा ट्वेंटी और टू इलेवन जा ट्वेंटी टू और टू टू ट्वेल्व जा ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन। और एक सिंपल यदि ये तो छोटे नंबर आए थे तो आप समझ जाओगे कि उनका टेबल बढ़ गया, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा फिर क्या करोगे, फिर कैसे पता लगेगा कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब मैं आपके आगे एक नंबर लिखता हूँ, टू टू सेवन एट, ये एक नंबर लिख दिया, टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी एट, ये नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर बताना है, बताइए जी जी इवन है कि ऑड है। तो अब आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल सा एक चीज टेक्निक सीखनी है कि इसके वन प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो वन प्लेस पे डिजिट जो है ऐसा नंबर है जो टू के टेबल में आता है, एट आपको पता है टू के टेबल में आता है, एट टू के टेबल में आता है ना, तो इसीलिए एंड आपने वन प्लेस पे डिजिट देखना है कि वो कौन सा डिजिट है। क्या वो टू के टेबल में वो डिजिट आता है तो आपको पता है टू फोर चाहे एट होता है। तो जब आपको ऐसा नंबर वन प्लेस पे मिल जाएगा जो टू के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर जो है उसको आप क्या कहोगे, ये इवन नंबर है। बिल्कुल सिंपल, सिर्फ आपको टेक्निक सीखनी है जी, सिर्फ टेक्निक सीखनी है, आपने घबराना नहीं है कि ये तो छोटे नंबर थे, काउंटिंग थी 20-25 तक तो आपने एक मिनट में बता दिया, लेकिन जब बड़े आपने हर चीज आपको इससे भी बड़े नंबर आएंगे तो फिर भी आपको पता आना चाहिए कि कैसे इवन नंबर ढूंढना है, कैसे ऑड नंबर ढूंढना है। तो अब हम इवन नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट आर इवन नंबर्स, उसको हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, डिफाइन करेंगे इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर, इवन नंबर्स, व्हाट आर इवन नंबर्स, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी होती, बुक भी पढ़ा करो। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आप लोग बुक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे करो। एवरी नंबर, एवरी एवरी नंबर, हर नंबर क्या होना चाहिए उस नंबर में, is a multiple of which number, every number which number, ऐसा number, ऐसे number जब आपने counting में से number ढूंढने, which number जब that number लिखो वो number, that number which is a multi multiple, which is a multiple of two, multiple of टू, ऐसा नंबर जो कि टू का मल्टीपल, जो टू के टेबल में वो नंबर आता हो, इसका मतलब ये हो गया दैट नंबर, वो नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ टू। ये तो एक सिंगल नंबर के लिए डेफिनेशन आ गई, यदि सभी इवन नंबर के लिए डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप लिखो दोज नंबर्स, वो नंबर्स विच आर विच हैव द मल्टीपल ऑफ टू, विच दोज नंबर्स विच हैव द मल्टी सिंबल, वो नंबर जो टू का मल्टीपल होता है, कोई भी नंबर है जो टू का मल्टीपल हो, उन नंबरों को हम इवन नंबर कहते हैं। और बाकी जितने भी काउंटिंग में नंबर बच जाएंगे, आपको पता है काउंटिंग में फिर जो नंबर बिना सर्कल वाले, अभी हमने देखा जो काउंटिंग लिखी थी 1 से लेकर 25 के बीच में,
कौन से नंबर थे जिनको हमने सर्कल नहीं किया था? आपको पता है? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 and so on. ये नंबर पीछे जो रह जाते हैं, रेस्ट इवन नंबर को छोड़ करके, ऑल द रेस्ट नंबर्स आर ऑड नंबर, जिनके बीच में जो टू जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स नहीं होगा. आपने ऑड नंबर कैसे ढूंढने हैं अभी मैंने आपको बताया. दोज नंबर्स which have not the multiple of two. वो numbers जिनका two multiples नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं? आकार odd numbers. Even number, odd number, prime number, composite number, आप लोगों को, आप मुझे आशा है कि आप आपको इन नंबरों की क्लास के बारे में यदि आपसे कुछ पूछा जाए तो आप बिना हिचके बड़े साधारण टूटल तरीके से बिना दिमाग में टेंशन डाले हुए आप इनका आंसर दे सकते. प्राइम नंबर कौन होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, इवन नंबर कौन होते हैं, ऑड नंबर कौन होते हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से इनका आंसर दे सकते हो. हाँ, जैसे आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आपने वन जो है वन के बारे में पढ़ा कि वन इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, इसी तरह से आपने टू को भी, टू के बारे में भी ध्यान रखना है. Two is the smallest, सबसे छोटा. Smallest means सबसे छोटा prime number. Prime, एक तो prime number भी है, two सबसे छोटा. Is the smallest prime number. और which is even, जो कि even है. जी, relation बना दिया आपका, जो आपने पीछे पढ़े prime number, composite number और फिर इवन नंबर और ऑड नंबर और टू ने इन दोनों के बीच में रिलेशन बना दिया कि टू जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और साथ में वो विच इज इवन, जो इवन भी है. बच्चे ये चीजें ध्यान से समझा करो, याद रखा करो, इन्हें इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. देखो, एक तो ये टू प्राइम नंबर भी है और साथ में इवन नंबर भी है और आगे एवरी एवरी प्राइम नंबर जितने एवरी प्राइम नंबर एवरी प्राइम नंबर सिर्फ सेट EXCEPT except 2 is odd. जितने भी प्राइम नंबर आए सिर्फ 2 को छोड़ करके, except मतलब सिर्फ 2 नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो odd नंबर है. जी, आप लोगों ने समरी पढ़ी, आपने चैप्टर के बारे में पढ़ा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या एक्सरसाइज में आगे पढ़ेंगे, पहले उन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होगी, फिर उनके ऊपर कोई हमें क्वेश्चंस पूछेगा, हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. आप देखिए एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने बुक से देखना है ध्यान से. व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स. क्या है क्वेश्चन, क्या है हमने आंसर देना है. फर्स्ट पार्ट का आंसर सम ऑफ एनी, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इक्वल टू, सॉरी इज डैश को हम बाद में भरते हैं, पहले एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं. ऑड नंबर, ऑड नंबर आपको पता है टू ऑड नंबर नहीं है. टू ऑड नंबर है या नहीं है? नहीं, टू नहीं लेना है हमें, ऑड नंबर लेना है. ऑड नंबर 3 + 5, ये दोनों ऑड नंबर है, इन दोनों को प्लस करते हैं. 3 + 5 हाउ मच इज आंसर, आपको पता है 8 है. दूसरी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 + 3 ले लेते हैं. 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, दोनों को प्लस करते हैं. तो सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, कोई भी दो नंबर को जब हम प्लस कर रहे हैं और ये जो आंसर आ रहे हैं वो आपने अभी देखा, वो आंसर जो है वो कौन से नंबर है, वो इवन नंबर है. ये बच्चे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये स्टेटमेंट्स है. जब कभी हम कोई भी दो ऑड नंबर प्लस करेंगे हमेशा हमें इवन नंबर मिलेगा, हमेशा हमें इवन नंबर मिलेगा. ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपने खुद करना. डू योर सेल्फ सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर. अब ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें ट्रू जो स्टेटमेंट ट्रू होगी ट्रू लिखना है और जो फॉल्स होगी उसे फॉल्स. ए पार्ट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. देखो क्या कह रहा है, सम प्लस करना है, कितने नंबरों को प्लस करना है, 3 नंबरों को प्लस करना है, कौन से नंबर लेने हैं, ऑड नंबर लेने हैं. चलो इसे एग्जांपल देके समझते हैं. ऑड नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 + 3 + 5, 3 ऑड नंबर लेने, 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है. तो 1 + 3 = 4, 4 + 5 आंसर आ गया 9. एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 + 5 + 7 लेते हैं, 3 + 5 = 8, 8 + 7 = 15. अब आपने इन नंबरों को ध्यान से देखा है, क्या क्या जी इवन नंबर है. इन्होंने हमें कहा था, पूछा हमें कह रहा है, हमें ये समझा रहा है कि सम करो, 3 ऑड नंबर को सम करके इवन नंबर आता है. बताइए ये जो आंसर है ये इवन नंबर है, ये आंसर इवन नंबर नहीं है, ये आंसर क्या है, ऑड नंबर है. तो जब ये ऑड नंबर्स होंगे तो बताओ ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दी है ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स. ये उन्होंने आपको गलत स्टेटमेंट दे दी है. इस तरह से बच्चे आपको हर स्टेटमेंट को एग्जांपल लेके पहले उसको समझना है, उसे करना है, करने के बाद में भी आपने निर्णय लेना है कि ट्रू है कि फॉल्स है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, ये सारे के सारे जो हैं
आपने पहले एग्जांपल लेके उनको देखना है कि ट्रू उन्होंने स्टेटमेंट ठीक लिखी है या गलत है। तो यदि ठीक लिखी होगी तो उधर आपने ट्रू लिख देना है, यदि फॉल्स लिखी होगी तो आपने फॉल्स उसके आपने लिखना है। लेकिन सारी जो भी मुझे इनका इनका जो होमवर्क चाहिए वो मुझे बिल्कुल एग्जाम्पल लेके पहले मुझे मेरे सामने एग्जाम्पल सॉल्व की होगी तब मैं उनका ट्रू या फॉल्स मानूंगा। सीधा आंसर दोगे मैं उसको नहीं मानूंगा कि जो आप लोगों ने आंसर अपने दिमाग से किया है। अब नेक्स्ट आगे भी और बहुत सारे ट्रू फॉल्स हैं, एफ पार्ट है, जी पार्ट है, एच पार्ट है, आई पार्ट है, जे पार्ट है, जिस सारे के सारे आपने इनको सॉल्व करना है। आज बच्चे क्लास सिक्स आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रखेंगे। सभी बच्चे कोई भी एनी प्रॉब्लम मेरे साथ 9018571456 नंबर पे मुझे कॉल करो, और कॉल करने का टाइम जो है वो आपको 5 PM to 5:30 PM के बीच ही करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ प्रॉब्लम लेके मेरे साथ बात कर सकते हो। थैंक यू बच्चे, ओके।